बिजनौर हेड कांस्टेबल विपिन कुमार की जितनी तारीफ करें वह कम होगी। उनके द्वारा किए गए इस काम की सभी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने इस बार इंसानियत की एक नई मिसाल पेश की है। देर रात तक स्कूल के गेट के अंदर फंसी एक मादा स्वान को बाहर निकालकर उसके बच्चों से मिलवाया। जानकारी के अनुसार शनिवार की दोपहर जब थाने के सामने वाले प्राइमरी स्कूल की छुट्टी हुई तो स्कूल के गेट बंद करते समय एक मादा स्वान जो कि अपने बच्चों के पेट भरने के लिए स्कूल के गेट के अंदर गई हुई थी, जिसके बाद जब स्कूल बंद हुआ तो वह वहीं फंस गई। बीती देर रात तक स्कूल में कभी नीचे तो कभी ऊपर रोते हुए चक्कर लगा रही थी, तो इधर से उसमें मासूम बच्चे भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस मंजर को जब हेड कांस्टेबल विपिन कुमार ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उनका दिल पसीज गया। उन्होंने आधी रात के बीच सीढ़ी का इंतजाम करते हुए खुद स्कूल की छत पर चढ़ गए और कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर स्कूल के अंदर वाली दीवार से फंसी हुई मादा स्वान को सकुशल गोद में उठाकर बाहर ले आए। उसके बच्चे के पास लेकर उसे छोड़ा तो बेजुबान माँ और उसके पिल्ले। बड़ी मासूमियत से विपिन कुमार को दुआ और शुक्रिया कहते महसूस हुए। बताते चलें कि इससे पहले भी हेड कांस्टेबल विपिन कुमार ने कई बार आमजन और पीड़ितों की निजी रूप में मदद कर उनके खोए हुए पर्स आदि लौटाकर गरीबों और जरूरतमंदों की दुआएं हासिल की हैं। बिजनौर से काजल की रिपोर्ट।